Assalamu Alaikum dear students. In today's uh, lecture, I'll tell you what letter writing is, its importance, different types of letters, and tips for writing an impressive letter. So, uh, what is the importance of letter writing? This is, in fact, a written message which can be from uh, a friend to a friend. Uh, from um, an employer to the um, uh, boss, from uh, an individual to any department. So this is one of the oldest means of communication and formal kind of information is done via letters, right? Or formal jo information, written message hai? verbal message, jo hai, formal setup. Mein is not liked

अंकल को लिखना या अपने किसी रिलेटिव को लिखना और इनफॉर्मल स्टाइल होते हैं और फॉर्मल जो होता है जिसमें आप किसी ऑफिस में जो है लेटर लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स फर्स्ट इज़ बिजनेस लेटर ऑफिशियल लेटर सोशल लेटर सर्कुलर लेटर एंड एम्प्लॉयमेंट लेटर इन द लेटेस्ट स्लाइड्स आई एक्सप्लेन वन बाई वन अबाउट दिस टाइप्स सो द फॉर्मल लेटर्स दे फॉलो सर्टन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी ठीक है इसमें लैंग्वेज जो होती है वो बहुत फॉर्मल होती है इनफॉर्मल स्टाइल में आप नहीं लिखते जैसे नाउ डेज वी आर प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग इन द क्लास तो क्या होता है बच्चे जो हैं बड़े इनफॉर्मल स्टाइल में भी समाइम्स दे राइट सो फॉर्मेलिटी और सर्टन पैटर्न को फॉलो करना होता है फॉर्मल लेटर्स में सेकेंड इज़ प्रोफेशनल इन नेचर होना चाहिए बड़ा आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए आपके जो है पर्सनल इमोशंस या फीलिंग्स या इस तरह की चीज उसमें ऐड नहीं होनी चाहिए सो इट शुड बी डायरेक्टली एड्रेस टू द इश्यूज कंसर्न जो इशू आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको डायरेक्टली एड्रेस करते हैं फॉर्मल लेटर्स में राइट एंड एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर ऑन और लेटर टू अथॉरटीज़ फॉर फॉल दिस गिवन तमाम जो भी होते हैं जो आप अथॉरटीज़ को लिखते हैं जैसे हमने जो है डी पी ओ को एप्लीकेशन लिखी फिर लेटर भी लिखा फिर नाजिम को लेटर लिखा सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स दे आर फॉर्मल लेटर्स

एंड देन दिस कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशन और रिटर्न कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन वाला स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे क्लोकियल स्टाइल होता है जिसमें आप लगता है एक इंसान से बातचीत कर रहे हैं उस अंदाज में लिख सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत जो है फॉर्मेलिटी को फॉलो करना है देन इसमें कैटेगरी में इनफॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से लेटर्स आते हैं लेटर टू फ्रेंड्स आते हैं एक आता है और रिलेटिव्स रिश्तेदारों को जान पहचान को या दोस्तों को ख़त लिखना जो है दिस इज़ कॉल्ड इनफार्मल लेटर सो बिज़नेस लेटर्स कौन कौन से लेटर्स होते हैं दीज आर कोटेशन्स कोटेशंस जो हैं वो आप कोट करते हैं फिर उसके बाद जो है वो न, आ, आ, उसके बाद जो है डिसाइड होता है कि टेंडर खुलता है और फिर उसके बाद पास होता है देन देर ऑर्डर्स ऑर्डर्स जो भी होते हैं दे आर बिजनेस लेटर्स कंप्लेंट कोई भी आपने जो है कम्पलेंट uh, लिखनी हो तो वो भी बिज़नेस लेटर्स में आता है फिर क्लेम करना हो कि आपने कोई ऑर्डर किया और वो उसके मुताबिक नहीं आया और फिर उसके बाद लेटर फॉर कलेक्शन कोई भी आपने कलेक्ट करना हो कोई भी आइटम हो तो देट इज़ फॉर लेटर फॉर कलेक्शंस एंड दीज टाइप्स ऑफ लेटर्स आर स्ट्रिक्टली फॉलो सम स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न ऑफ़ फॉर्मेलिटीज़ इस तरह के बिजनेस लेटर्स जो होते हैं इसके कोटेशंस लिखने के लिए ऑर्डर्स के लिए कंप्लेंट्स के लिए क्लेम्स के लिए सारे हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में राइट देन देर आर ऑफिशियल लेटर्स ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं दे आर वन वैन दे आर यूज दे आर यूज़ टू इन्फॉर्म ऑफिसज ऑफिस में इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट करने के लिए जो है वो ऑफिशियल लेटर यूज़ किए जाते हैं ब्रांचिज़ को कोई जैसे मेन ब्रांच है या जैसे कॉलेज़ हैं हमारे तो डिफरेंट कॉलेज में जब मैसेज जाना है तो ऑफिशियल लेटर्स आते हैं फिर सब ऑर्डिनेट्स को करना हो आपके हेड ने अपने सब ऑर्डिनेट्स को मैसेज करना हो तो फिर ऑफिशियल लेटर के थ्रू जो है वो कन्वे किया जाता है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है दैन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लाइक रूल्स नए रूल कोई ऐड हो गए हैं या रेगोलेशन जो हैं ये भी ये प्रोसीजर्स हैं इवेंट्स हैं और एनी अदर सच इंफॉर्मेशन जो हैं वो ऑफिशियल लेटर के अंडर आती हैं फिर उसके बाद जो है ऑल्सो फॉर्मल इन नेचर ये भी जो होते हैं ऑफिशियल लेटर जिस तरह बिजनेस लेटर्स होते हैं ऑफिशियल लेटर्स भी फॉर्मल होते हैं इन नेचर एंड फॉलो सर्टन स्ट्रक्चर एंड डिकॉरम एक डिकॉरम को आपको फॉलो करना है सर्टन स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है फिर आते हैं जी सोशल लेटर्स सोशल लेटर्स में कैसे होते हैं जो कॉन्ग्रेजुलेशन लेटर ठीक है किसी को मुबारकबाद आपने देनी है या कंडोलेंस लेटर्स होते हैं या फिर इनविटेशन और पर्सनल लेटर्स रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ स्पेशल इवेंट इज नोन एज सोशल लेटर्स किसी को मुबारक देनी है किसी से ताज़ियत करनी है या पर्सनल इन्विटेशन देना है तो उस तरह के लेटर्स को हम सोशल लेटर्स कहते हैं ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में इंशाल्लाह। देन सर्कुलर लेटर व्हाट इज़ सर्कुलर लेटर दैट अनाउंस इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ सर्कुलर लेटर अब जो बड़े ग्रुप को जब इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचानी हो तो फिर हम सर्कुलर निकलता है ठीक है दैट अनाउंसज़ इंफॉर्मेशन ठीक है एक इंफॉमेसन जो है वो सर्कुलेट करनी हो टू अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल तो फिर सर्कुलर लेटर निकलता है द सेम लेटर इज़ सर्कुलेटेड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ़ पीपल टू सम सम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक अ चेंज ऑफ एड्रेस आपने चेंज ऑफ एड्रेस को बताना हो यानी आपकी फ़र्म का एड्रेस चेंज हो गया है आपकी कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया है तो यू आर क्या हाँ आप करेंगे आप सर्कुलर लेटर के जरिए जो है इन्फॉर्म करेंगे या चेंज ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल चेंज हो गई हैं या वाइस प्रिंसिपल चेंज हो गई हैं या हेड चेंज हो गई है तो आप सर्कुलर लेटर के जरिए जो है इन्फॉर्म करते हैं यह रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट अनाउंस करनी हो तो फिर सर्कुलर लेटर निकाला जाता है यह भी मैं दिखाऊँगी भी क्लास में इनशाला और अभी हम इसको देखेंगे भी फिर इम्प्लॉयमेंट लेटर होते हैं इम्प्लॉयमेंट लेटर होते हैं एनी लेटर्स विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लॉयमेंट प्रोसेस लाइक ज्वाइनिंग लेटर प्रमोशन लेटर एप्लीकेशन लेटर ये सारे जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट लेटर की कैटेगरी में आते हैं फिर इसकी टिप्स क्या होती हैं किस तरह हम एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं सम फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लेटर अगर आपको पेपर में लेटर राइटिंग का आ जाता है क्वेश्चन राइट अ लेटर टू पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि लेटर किस टाइप का बिजनेस लेटर है फॉर्मल लेटर है सर्कुलर है कंप्लेंट है कॉन्ग्रेचुलेशन करना है कौन सा है फॉर्मल है या इनफॉर्मल है ब्रॉड कैटेगरी में आपने देखना है फिर ब्रॉडर कैटेगरी के अंडर आपने आके देखना है कि ये अब इसमें हमने किसके लिए लेटर लिखना है तो फिर वो आपने सबसे पहले उसकी टाइप को जो है आइडेंटिफाई करना है फिर उसके बाद मेक श्योर यू ओपन एंड क्लोज द लेटर करेक्टली ये मैंने प्रैक्टिस आजकल हम कर रहे हैं क्लास में कि प्रॉपर जो है उसकी ओपनिंग होनी चाहिए और प्रॉपर ही उसको क्लोज़ होना चाहिए आपने किसके नाम एड्रेस करना है क्या किसके नाम लिख रहे हैं आप लेटर या एप्लीकेशन फिर एड्रेस क्या लिखना है फिर सेलूटेशन क्या होगा फिर उसकी बॉडी क्या होगी फिर सब्सक्रिप्शन क्या होगा डेट कैसे लिखनी है ये सारा जो है आपने प्रॉपर होना चाहिए ठीक है फिर आम, फिर मेन इंटेंट ऑफ द लेटर आपको पता होना चाहिए इस्टेब्लिश द मेन इंटेंट ऑफ द लेटर पता हो गया आप लिखना क्या चाह रहे हैं वट डू यू वॉन्ट टू राइट इन द लेटर और बी केयरफुल ऑफ द लैंग्वेज लैंग्वेज आपकी जो है बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए ठीक है बहुत स्लैंग जो है वो आपने यूज बल्कि करने ही नहीं है यूज़ आपने अपने फॉर्मल लिख रहे हैं तो बड़ी आपने फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है अगर इनफॉर्मल है फ्रेंडली है लेटर